रुका जी, वेट वेट वेट, रश्मि जी साथ में है, रश्मि जी, रश्मि जी, रश्मि मैम, रश्मि जी, रश्मि मैम, रश्मि मैम, फोटो करो, ये बात करो, उभी रह जाती बहुत दिन के बाद, बहुत बढ़िया है भाई, एक मिनट रुके ना, हट भाई, एक मिनट आ जाते, बस एक बार अपने साथ में कर देना, रश्मि जी को भी लेके, आरती जी को लेके आओ ना, अरे मेरे को एक एक कुछ शूट करना है, वो खत्म करके आता हूं, ओके ओके, आ जाओ, हां डन, चारों का कपड़े में, वो गेम अभी है, गेम में मैं गेम के कपड़ों में करते हैं, चारों का करते लेकिन, हां चारों का, लेकिन उमर वाला रश्मि भी पहन साथ है, हां रश्मि जी के साथ कर देना, उमर भाई रश्मि जी के साथ हवा में लटकी हुई है, सर आप बुलाओगे नहीं आएगा तो बनेगा, तू सोलो भाई, भाई माइक लाया, माइक लाया, आप अगर नहीं बुलाओगे तो कैसे चलेगा, वो अंदर है, आप, आपकी तो जरूर सुनेगी, उम्र आपकी सब सुनते हैं, नहीं नहीं सर आपकी आपकी सुनते हैं, भाई 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 रुके रुके, आगे आगे कॉल आते सबको, रश्मि जी यहाँ पर, रश्मि जी सब वेट कर रहे साथ में आपका और भाई का फोटो हो सके, अगर हो सके उन्होंने भी यही बोला, कितना एंजॉय किया आपने, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, भारतीय हर्ष हर्ष के साथ हमेशा मजेदार ही रहता है, स्ट्रेस कम रहता है और काम का काम भी होता है, इट्स फन, डन गाइस प्लीज, यही चलेगा, शादी हो रही किसी की, कुतुब की, मैं ये करने आई थी और तुम लोग मिल गए, थोड़ी सी बाइक, थोड़ी सी बाइक, ज्यादा नहीं बोल दिया जी, आज युविका पक्की जा रही, देखो आज काफी सारे कंटेस्टेंट आए हुए हैं, तो कितना मतलब कितना मजा आ रहा है, कौन उड़ रहा है, कौन लटक रहा है, सारे उड़ रहे, सारे लटक रहे, सारे फिसल रहे, लेकिन कपल स्पेशल है और इतना मज़ा कर रहे हैं सब लोग कि मैं 3 घंटे बाद आई हूँ इसके लिए देखने, वो भी कि ठीक है कि नहीं, सबसे ज़्यादा किस में मज़ा आ रहा है, रश्मि में, योविका, आप में,
कितनी खुश होकर पूछ रही है। पांडे आपकी फ्रेंड है? अरे सब लोग मीडिया वाले फ्रेंड ही होते हैं। हाँ जी हाँ जी, मज़ा आ रहा है। मेरे को दोनों कपल बड़े अच्छे लगते हैं और दोनों ही बड़े अपने फ्रेंडली हैं। उमर और रश्मि भी है और प्रिंस एंड युविका भी, तो मज़ा आ रहा है। बिग बॉस की बातें हो रही हैं और उनकी शादी को तो 3-4 साल हो गए, वो भी बातें हो रही हैं। तो कुछ ऐसे ही पति पत्नी वाले गेम हैं। ओके थैंक यू सो मच। अच्छा सिर्फ दो ही सवाल? मैंने एक और पूछ। ओके और पूछ, सवाल ख़त्म अभी, और पूछ। भारती जी, जीवन जी का ब्रेकअप आप कहते? भारती जी क्या है? आप कपिल शर्मा को, कपिल शर्मा समय कब दिखो? जैसे बेबी हो जाए भाई, क्योंकि इतने सारे शो एक साथ नहीं कर सकती, इसीलिए वो तो घर का शो है, अपना भाई है, तो उनको थोड़ा हाथ जोड़ के ब्रेक लिया है कि जैसे ही बेबी हो जाएगा फिर उसके 1-1.5 महीने बाद वापस चले जाएंगे। आज बच्चन पांडे की टीम आई थी मूवी प्रमोट कर, कल हुनरबाज में भी आई थी, वो तो पूछा नहीं। अपना घर का शो है, घर भाई आँख भी मारी जा रही है, घर का शो है ना। अरे ये सब मुझे मार रहे हो, क्या आदत है? बोल रहा हूँ घर का शो है फिर मारी देखो। अरे घर का शो है, हाँ वो तो घर का शो है और वो तो सुपर हिट शो है अभी। और कल हमारे हुनरबाज में आए थे और जैसे हम बोलने लगते हैं बैंड और तेज हो जाता है, इसलिए मैंने वो एकदम पास पकड़ा हुआ है। और कोई सवाल? आइए पांडे जी, अरे आओ तो सही भाई। पांडे जी के फैन हैं आप लोग के? नहीं। हाँ जी हाँ जी, पांडे जी, पांडे जी रॉक्स। पांडे की गर्लफ्रेंड है आप बताओ? है क्या पता उसको, पता तेरी गर्लफ्रेंड है? पूरा दिन ऐसे घूमते रहते। अब साना खान की शादी में गए थे पंजाब, कोई लड़की पसंद आई? करदा क्या क्या ऐसे हो जाती है? आई थी, लड़की का नाम लगे तो जीप उसकी आ जाती है। कहाँ? ये कुछ भी कर रहा है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, आपकी बेस्ट विशेस चाहिए, बेबी आने वाला है, मामा मासी बनने वाले हो, है ना बेस्ट विशेस? हां जी हां जी, ठीक है। हमने तो पहले से बोला था क्या मामा बनने दुबई भी आप गए थे, पहुंच जाओगे ना जब बेबी लेके आऊंगी? पक्का, मैंने बताना ही नहीं किसी को। अब नहीं बुलाओगे फिर भी आ जाएंगे? वाओ कितनी चालाक हो। कैसे आ जाओगे? मैं कौन सी हॉस्पिटल ढूंढ लेंगे हम कहीं से भी। सच्ची इतना तो प्यार करते हैं आपको, आप नहीं कह सकते थे ये बात, लड़की ने कह दी। चलिए इससे पहले कि गुर्दा खराब हो जाए सुसु रोक के मैं जाती हूँ। थैंक यू पांडे जी, चलिए नाचिए। मेरे वाले में उमर भाई इधर, ये इसमें जिस छोटी सी नहीं अभी नहीं अभी
अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहा। बाइक चाहिए एक मिनट का प्रिंस भाई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे अर्धो कलाक से बची लाई ले। हां कई वांदो नहीं, चल से। अरे